भारत की कला ये केवल मनोरंजन मात्र नहीं है। भारत की कला का उद्गम वहां से है जहां से प्रथम उद्गार ओंकार का उच्चारण हुआ। वसुमुद्दीन डागर साहब को एक मैसूर में मैंने सुना तो उन्होंने वो ध्रुपद साधना के बारे में वो बोल रहे थे कलाकारों से कि थोड़ा सा कुछ आ गया तो एकदम प्रकट प्रस्तुति, उसमें प्रोत्साहन तो मिलता ही है, तो उसके कारण फिर एक अभिमान बढ़ना, ये जो दिखता है तो ये उथलापन है, उसको छोड़ के कलाकार को साधना करनी पड़ती है। तो वो कह रहे थे मत कि षड्जय से साधना शुरू होती है तो आदमी अपने शरीर मन बुद्धि के परे पहला कदम रखता है और जब निषाद तक पहुंच जाता है तो सृष्टि के मूल सत्य तक वो पहुंच जाता है, तभी उसका निषाद सिद्ध होता है। ये बात जो समझता है वो भारतीय कलाओं को समझता है, क्योंकि भारतीय कला रंजन मात्र नहीं है, वो अभिव्यक्ति है। वो हम कहते कलाकार की कृति, लेकिन वो अभिव्यक्ति है। इतनी सुंदर अभिव्यक्ति होने के बाद वास्तव में ये कृति वाला भाषण ये अत्यंत एक नीरस बात है। लेकिन अब जैसे कोरोना की मजबूरी में छोटी संख्या में हम कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन वो प्रस्तुति सब कुछ बोल जाती है। वो जो अंदर के सत्य की अभिव्यक्ति है, सत्य के शिवत्व की अभिव्यक्ति है और वो सुंदर रूप में है, उसको कला कहते हैं। भारतीय कला का उद्देश्य यह सत्यम शिवम सुंदरम की ओर ले जाना, ये है।